आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है हमसे, उस प्रश्न के ऊपर हम और ज़्यादा डेप्थ में उसके जाएंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि एक ऐसे गुरुवर के बारे में हमने पिछले कुछ सेशंस में बात करी थी, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 37 वर्ष तक कोई भी भोजन उन्होंने नहीं ग्रहण करा था, केवल छाछ का पानी उन्होंने पिया था 37 वर्ष तक। हरियाणा में स्थित राक्सेड़ा जो भूमि है वहाँ पर वो गुरुवर हुए हैं, उनका नाम है जो जैन में प्रचलित भी है, पन्ना गुरुवर। तो प्रश्न ये है कि 37 वर्ष तक बिना भोजन करे क्या हम भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और उसकी क्या विधि है? तो विधि हमें आपको बतानी है, बिना भोजन करे कैसे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि एक महीने तक आप कोई भी भोजन ग्रहण ना करें, केवल आप पानी पिए। तो हम आपको बताते हैं कि जैन में इस समय पर चौमासा चल रहा है, तो जैन में अब से ही शुरू हो चुका है मांस खमन, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग इस समय पर, अगर आप जैन स्थानक में विजिट करते हैं, जैन टेंपल्स में विजिट करते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस समय पर एक पूरे महीने में कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, पूरा महीना वो भोजन नहीं लेंगे, केवल पानी पियेंगे, वो भी सनसेट से पहले पानी पियेंगे। वो इसे कहते हैं मांस खमन। तो अब वो कैसे संभव हो पा रहा है कि एक महीने तक वो भोजन नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी वो एकदम नॉर्मल, एकदम एक्टिवली अपनी सारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज करते हैं? बहुत ही ध्यान से आप एक एक चीज समझेगा, एंड तक आपको समझना है, अंत तक समझना है कि 37 वर्ष तक बिना भोजन करे क्या ये संभव है और एक महीना कैसे बिना भोजन करे आप रह सकते हैं। तो अंत तक आपको एक एक स्टेप को समझना है, ठीक, बहुत ही ध्यान से समझिए। अब आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अभी से आपको मेडिटेशन शुरू करनी है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस इंसान के जीवन में, उस इंसान के शरीर में ऐसे सोचिए कि आप वही इंसान हैं जो एक महीने तक आप कोई भोजन नहीं करने वाला है। हम आपको एग्जैक्टली डे बाय डे बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा महसूस करता है। पहले दिन जब आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि केवल शाम के 4 बजे तक ही आपकी हिम्मत, ऐसा हो सकता है कि आपकी हिम्मत टूटने लग जाए, आपको लगे कि एक महीने का संकल्प तो उठा लिया है लेकिन यहाँ पर हमसे आधा दिन भी नहीं बिना भोजन के रहा जा रहा है। आधा दिन जब गुजर जाता है तब इंसान की हालत कुछ इस प्रकार से हो जाती है, क्योंकि एक महीने का संकल्प उठाया हुआ है। इस पूरी विधि में जो आप अभी समझने वाले हैं कि एक महीने तक बिना भोजन के किस प्रकार से रहना है, उसमें दो चीजें आपकी बहुत सहायक होंगी। वो दो ऐसी टेक्नोलॉजीज है, दो ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए ही आपकी पूरी जो नदी है वो पार होने वाली है। पहली चीज है उसमें से संकल्प शक्ति। वो संकल्प शक्ति ही है इंसान की जो एक महीने तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी चीज है सरेंडर, यानी कि जब आप एक इनफाइनाइट पावर को सरेंडर कर देते हैं, एक ऐसी पावर में, एक ऐसी शक्तिशाली पावर में आपका यकीन होता है जिसे हम लोग भगवान बोलते हैं, जिसे परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग उसे स्पिरिट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एक एनर्जी है, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है, लेकिन वो इनफाइनाइट पावर है। उस इनफाइनाइट पावर में आपका विश्वास होता है, वो आपके खुद के, जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो आपके भगवान हो सकते हैं, जैन कर रहे हैं तो वो महावीर में यकीन करके तब वो इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, और अगर आप हिंदू हैं और आप एक महीने तक नहीं खा रहे हैं तो आप अपने माँ काली में और शिव जी में, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, हनुमान जी में, उनको, उनके ऊपर विश्वास करके तब आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं, ये दो चीज़ें, संकल्प शक्ति और सरेंडर, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप किसी इनफाइनाइट पावर को सरेंडर किए बिना, अगर किसी इनफाइनाइट पावर को आप सरेंडर किए बिना इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो हम आपको इसके बाद समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ चुके हैं। अब जो लोग एक महीने तक नहीं खा रहे हैं उसमें पहले दिन
आधा दिन गुजर गया है और वहां पर उनका जो विश्वास है उनको बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा उत्तेजना है उनके शरीर में, दिमाग में उल्टा उत्तेजना और बढ़ चुकी है कि यहाँ पर संकल्प ले लिया है कि एक महीने तक भोजन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर पूरा शरीर भोजन की मांग कर रहा है। पहले दिन तो और भी ज्यादा, कोई टीवी में ऐड देख लिया, आइसक्रीम का ऐड देख लिया, कोई चॉकलेट का ऐड देख लिया, हर चीज का मन हो रहा है खाने का, जो चीजें कभी जीवन में मन भी नहीं होता लेकिन आज उस चीज का भी मन होएगा खाने का। पहले दिन ऐसी स्थिति पर इंसान होता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित दिमाग होता है, तो उसको पार करने के लिए वो जाते हैं अपने गुरु की शरण में। अब वो गुरु जो होता है, जिसके अंडर आप ये पूरा कुछ, ये सब कुछ कर रहे हैं, उस गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे रास्ते में उतरने के लिए। आपको गुरु की जो इम्पोर्टेंस है, गुरु का जो महत्व है, वो आपको समझना है। वो गुरु आप शिव को भी मान सकते हैं, वो गुरु आप अपने जो आपके रिलीजन है उनके जो गुरुदेव है आप उन्हें भी मान सकते हैं। तब इंसान अपने गुरुदेव की शरण में जाता है, और जो हिंदू है उन्हें मंत्र जाप बताया जाता है कि आप मंत्र जाप कीजिए, सरेंडर कीजिए उस इनफाइनाइट पावर को जिसके ऊपर विश्वास करके आपने संकल्प लिया है। और जो अगर जैन है तो उन्हें सामायिक करने को कहा जाता है, अलग अलग विधि होती है। लेकिन पूजा पाठ समझ लीजिए कि इंसान अपना दिमाग वहां पर डाइवर्ट करता है, फिलहाल अभी डाइवर्जन हो रहा है, अभी अंदर से पूजा पाठ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पहले दिन उत्तेजित दिमाग होता है। दूसरे दिन क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन इस समय पर उसका शरीर, अब ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये हर इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, हर इंसान की अलग अलग फिजिकल एबिलिटीज होती है। तीसरे चौथे दिन और दूसरे दिन तक हालात कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होने लग जाएगी। अक्सर ऐसा ही होता है, फिजिकल वीकनेस महसूस होती है, आप चल रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये यूथ में भी बता रहे हैं। और अगर बैठे हुए हैं कुछ देर, एक ही पोजिशन में बैठ गए हैं तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिजिकली आप वीकनेस को महसूस कर पाते हैं। चौथे दिन तक इस प्रकार की आपकी स्थिति रहती है। साथ ही में आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे दिन में अब आपका जो भोजन करने की जो इच्छा है वो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन आपका जो शरीर है, अब उस शरीर में क्या चल रहा है, उस शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल इस समय भोजन की डिमांड कर रहा है। ये कौन सी स्थिति होती है, इस स्थिति को समझने के लिए, जब आपका शरीर का एक एक सेल इस समय भोजन की डिमांड कर रहा है, वो वही स्थिति है जब आप योग सूत्र पढ़ते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, उस स्थिति में क्या किया जाता है आप उसका विज्ञान समझिए। जब आप भगवद गीता को पढ़ते हैं तो उसमें जो प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, प्राणायाम की जो प्रैक्टिस भगवद गीता में बताई गई है, उसमें उस स्टेट तक इंसान को ले जाने को बताया जाता है कि टोटल रिस्ट्रेन फ्रॉम ब्रीदिंग, यानी कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उससे आप पीछे हट चुके हैं। ये सुनने में बहुत ही काल्पनिक है, ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन भगवद गीता में जो प्राणायाम की मेंशन है उसमें इस प्रकार की स्थिति मेंशन की हुई है कि टोटल रिस्ट्रेन फ्रॉम ब्रीदिंग, उससे और पीछे आ जाइए कि किस प्रकार से उस स्थिति को हम समझें। तो उस स्थिति को समझने के लिए जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, जो हमने पिछले कुछ मेडिटेशन सेशंस में करवाया था, उसमें एक कुंभक मोमेंट हमने महसूस किया था। आपने ब्रीद इन करा, आपने वहां पर पॉज करा, फिर आपने ब्रीद आउट करा, फिर आपने पॉज करा। वो जो पॉज मोमेंट होता है, जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच का जो मोमेंट होता है, उस रेस्ट फेज को आप देख रहे होते हैं, उसे महसूस कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं कुंभक मोमेंट, कुंभक। ठीक इसी में अगर आप यही जो रेस्ट की फेज है इसे और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा जो भगवद गीता में प्राणायाम के बारे में मेंशन है, टोटल रिस्ट्रेन फ्रॉम ब्रीदिंग। अब ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये वो पल होते हैं जब आपका जो शरीर है, आपके जो बॉडी का एक एक सेल है, वो इस समय पर एक्टिव मोड में हो जाता है, क्योंकि अब वो या तो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है या फिर वो एक्सहेल करने की डिमांड कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। ओशो को अगर आप देखते हैं, ओशो एक मेडिटेटिव टेक्निक कराते थे कि इंसान को अगर अपने चित्त तक एक बात उतारनी है, कोई ऐसी चीज़ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मान लीजिए ये बात आपको उतारनी है,
तो ओशो एक टेक्निक बताते थे कि आप श्वास अंदर लीजिए और उसके बाद आप श्वास एक्सहेल कर दीजिए। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए और वहां पर आपको पॉज करना है। इतनी देर तक पॉज करना है कि पूरा शरीर का एक एक सेल उस समय ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा हो, शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल उस समय ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा होता है, सब कुछ एक्टिव हो चुका होता है और उस समय पर आपको वो चीज़ अपने अंदर डालनी है कि मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ। उस समय पर जो चीज़ आप अपने अंदर डालना चाहते हैं आपको उस स्थिति में अपने अंदर डालनी है। ये आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि शरीर के जब सारे सेल्स एक्टिव हो जाएं उस समय पर हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करें अपनी बॉडी में, जो ओशो की मेडिटेटिव टेक्निक थी वो आप समझ रहे हैं। अब जब इंसान 4 दिन तक भूखा है, उसके शरीर के सेल्स उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, अब आप समझिए ये वही मूवमेंट है जो ओशो उस समय ब्रीदिंग के माध्यम से बता रहे हैं। और यहाँ पर आपके शरीर ने भोजन जो ग्रहण नहीं करा, आपका शरीर इस समय शरीर का एक एक सेल एक्टिव मोड पर आ चुका है। अब उसके अंदर जो भी चीज़ जलेगी वो बहुत ही ज़्यादा सीधा आप ऐसे समझिए टू योर बेसिक चक्र, सीधा आपके अंदर तक उतर जाएगी टू योर सबकॉन्शियस माइंड। इस समय पर इंसान सरलता की तरफ बढ़ चुका है। 4th दिन के बाद 5th दिन तक आप ऐसे समझ लीजिए कि भोजन की इच्छा खत्म हो चुकी होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो सिकुड़ चुकी होती है, अब भोजन का कोई मन नहीं होता है। आप वीकनेस को महसूस तो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ इस प्रकार की स्टेट पर होते हैं कि अब थोड़ा आप नॉर्मल जो बेसिक डेली एक्टिविटीज़ होती है उनको आप कर पा रहे होते हैं, अब शरीर थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप समझ रहे हैं यहाँ 1 महीने का प्रोसीजर हम बता रहे हैं, तो अब शरीर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, भोजन की डिमांड अब शरीर नहीं कर रहा है। और आप ऐसे समझिए कि आपकी जो ब्रेन वेव्स है वो हर समय एक रिलैक्स्ड मोड में जा रही है, एकदम रिलैक्सेशन के मोड पर आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज चल रही है, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो चुका है, बशर्ते आपके आसपास कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके आसपास इस प्रकार के इमोशंस, वो चाहे गुस्सा हो, चाहे लोभ हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे जलन हो, कि बच्चे ने कुछ बोल दिया और आपने रिएक्ट कर दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया और आपने रिएक्ट कर दिया, वो सारे एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपकी उस रिलैक्सेशन की स्थिति को गड़बड़ा देती हैं। इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। अब जब आप रिलैक्स स्टेट में हो चुके हैं, आप ऐसे समझिए आपका मन इतना सरल हो चुका है, कितना सरल, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे आप समझते हैं कि अगर आप तंत्र की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है, अगर आपको ये भी जानना है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको इमेजिनेशन से शुरू करना है। और इमेजिनेशन से पहले आपका कितनी सरलता होनी चाहिए आपके मन की, इतनी सरलता कि एक छोटे बच्चे की तरह आप सरल हो, छोटा बच्चा। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन यू नीड टू चेंज लाइक दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, एक लिटिल चाइल्ड की तरह आपको होना होता है। इतनी सरलता जब इंसान में आ जाती है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो मेडिटेशन में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, वो ध्यानी इंसान है जो इतनी सरलता की स्टेट पर जा रहा है। तो अब ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर इस पूरी जर्नी में जो 2 चीज़ें काम आएंगी कि 1 महीने का आप भोजन नहीं कर रहे, वो है आपकी संकल्प शक्ति और दूसरा है कि आपने एक इनफाइनाइट पावर को सरेंडर करा हुआ है और आपके जो गुरु हैं वो हर दिन आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसे साइंस की भाषा में बोला जाता है एपिजेनेटिक्स, यानी कि 1 महीने के व्रत कर रहे हैं, जैन में अगर कर रहे हैं तो वो स्थानक जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, तो उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 महीने का व्रत कर रहे होते हैं, उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं।
अब जब आपके आसपास की ऐसी कंडीशंस है, जब आप हर समय देख रहे हैं कि आपके आसपास ये इंसान तो बहुत इजीली एक महीने का व्रत कर रहा है, कि आज इसकी ये स्थिति है, वो चीज़ होती है जब आपके अंदर वो बात उतर चुकी है। एपिजेनेटिक्स यानी कि आपके जेनेटिक्स किस प्रकार से एक्सप्रेशन कर है उनका, जेनेटिक्स जब एक्सप्रेस कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है एपिजेनेटिक्स। और एपिजेनेटिक्स का जो विज्ञान है वो ये बोलता है कि अगर आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई चेंज लाया जाए तो वो डायरेक्टली आपके जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है। आप अपने एपिजेनेटिक्स को बदल सकते हैं, बस आसपास के एनवायरनमेंट को आपको बदलना है। इतना ही सरल है इंसान का शरीर, इतना ही सरल है इंसान, ह्यूमन बीइंग इतना ही सरल है। अब जब वो आसपास देख रहा है तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशनिंग बदल जा रही है उसकी, यहाँ पर उसके अंदर एक अलग ही विश्वास आ जा रहा है कि अब मैं भी कर लूँगा जब मेरे सामने जो इंसान है वो इतनी सरलता से कर पा रहा है। तो यहाँ पर एपिजेनेटिक्स, सरेंडर करने की पावर जो होती है, सरेंडर भी एक पावर है, क्योंकि मेल्स में अक्सर आप देखते हैं वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो इनफाइनाइट पावर को आपको सरेंडर करना है, अपने गुरु को आपको सरेंडर करना है। और तीसरा है संकल्प की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप इस मार्ग पर आगे जा पाते हैं। ये था कि अगर आप मांस खमन कर रहे हैं एक महीने तक, अगर आप भोजन नहीं ले रहे, अब उसके आगे समझते हैं। अब यहाँ आप समझ गए कि आपने एक महीने का व्रत ले लिया है, उसके बाद आप उस व्रत को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या? अब उसके बाद क्या स्थिति होती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक समुद्र में हैं। अब वहां पर आपकी एक नाव में आप बैठे हुए हैं और सामने एक पत्थर पर आपके उस नाव का जो चप्पू है वो वहां पर रखा हुआ है, वो स्टिक। अब कुछ ऐसी कंडीशन है, आप वहां अकेले हैं उस समुद्र के बीच में और कोई हवा भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा पूरी प्रेयर करते हैं, आप बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं कि हे भगवान प्लीज़ इस डायरेक्शन में आप हवा कर दीजिए, मेरे को किसी तरह उस स्टिक तक पहुंचना है ताकि मैं अपना रास्ता पार कर पाऊँ। आपने इतना मेडिटेट करा, आपने प्रेयर करी, भगवान ने आपकी बात मान ली और भगवान ने हवा कर दी और आप उस पत्थर तक पहुंच गए जहां पर वो स्टिक रखी है, आप जिसके बलबूते आप पूरी वो चप्पू रखा है उस पत्थर पर। अब भगवान ने आपने मेडिटेट करा था, हवा तो कर दी और आप उस पत्थर तक भी पहुंच गए हैं, एक महीने की आपने तपस्या कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि आप भूल ही गए हैं कि आप उस चप्पू को उठाना भी है, वो आप भूल चुके हैं। उसके बाद क्या करना है आप भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति पर इंसान अक्सर पहुंच जाते हैं कि एक महीने का व्रत कर लिया, उसके बाद जो एनर्जी अब शरीर में आ चुकी है, कि संकल्प शक्ति से क्या होता है, आपके अंदर जो एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने शब्द बोले हैं तो ये पूर्ण हो जाएंगे, इस प्रकार की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि आपने एक, जैसे हिंदुइज्म में होता है कि 1,00,000 जप कर लिया है, पूरी साधना कर ली है, एक महीने तक आपने भोजन नहीं ग्रहण करा है, आपने उस गोल को अचीव कर लिया है, अब आपके अंदर वो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो शक्तियाँ तो आ गई लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो आप जानते ही नहीं है। उसके बाद आपकी हालत कुछ ऐसे प्रकार से हो जाती है कि आप उस चप्पू को उठाना भूल जाते हैं और आप दोबारा खो चुके हैं। ये अक्सर देखा जाता है, अक्सर इस प्रकार से होता है, तो उसके लिए अलग विधि होती है। यहाँ तक आप समझ गए हैं कि एक महीने के व्रत के लिए ये चीज़ें काम करती हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि 37 वर्ष तक किस प्रकार से गुरुवर ये कर पा रहे हैं, किस प्रकार से ऐसे लोग हैं, केवल पन्ना गुरुवर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग इस समय पर YouTube पर उनकी वीडियोस मेंशन की हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहली चीज़ और यही एक इंसान जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है उसके लिए सबसे कठिन भी यही स्टेज है, जो पहली स्टेज है, वो कौन सी स्टेज है? वो स्टेज ये है कि आपके अंदर ये जो इमोशंस होते हैं, क्रोध के, लोभ के, मोह के, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, काम वासना, इन इमोशंस को आपको उठाकर फेंकना है। अगर आपके अंदर ये इमोशंस हैं और इस रास्ते पर आप जा रहे हैं तो ये आप ऐसे समझिए कि वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, ये इस प्रकार की स्थिति है, अब गए तब गए। कुछ ऐसे लोग हैं
इस समय पर वेस्ट में भी बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें ब्रीडियंस कहा जाता है। ब्रीडियंस यानी कि वो कुछ खाते नहीं हैं और वो बहुत ही एक्टिवली अपनी पूरी लाइफ व्यतीत करते हैं, और इसके लिए उन वेस्ट का दिमाग है। अब उन्होंने क्या किया है आप जान चुके होंगे, उन्होंने इसके लिए कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। कोर्सेज है कि ब्रीडियन किस प्रकार से बनना है, 15 दिन 1 महीना आप हमारे यहाँ पर आके रेजिडेंशियल रहे, हम आपको सिखा देंगे कि आप बिना खाने के भी रह सकते हैं वहाँ पे। उसी प्रकार की आप समझ रहे एपिजेनेटिक्स कि प्रॉपर आपके आसपास वही लोग हैं, आपका एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो चुका है, उस समय तक तो आप अच्छे से कर लेंगे मैनेज, लेकिन उसके बाद उस ऊर्जा का क्या करना है, आपको इस बात को गहराई में समझना है कि वो शक्तियाँ तो आ जाएंगी, उसके बाद उस शक्ति का आप करेंगे क्या। आपको आज ही आज अपने आप से पहला प्रश्न ये पूछना है, आप भूखा क्यों रहना चाहते हैं, आप क्यों रहना चाहते हैं भूखा। अब यहां पर आप समझ रहे हैं कि ये जो प्रश्न है कि किस प्रकार से भूखा रहे, इस प्रश्न का कुछ उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, या फिर आप बस शरीर मिला है कि चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर आप सच में ऐसा चाह रहे हैं तो आपको अपने आप से ट्रुथफुली आपको सच्चाई अपने आप से बोलनी पड़ेगी उसके लिए। और उसके लिए सबसे पहली स्टेज है कि आपके अंदर ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये वाले इमोशंस ख़त्म हो जाने चाहिए। और इमोशंस ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट उन इमोशंस को ऑब्जर्व तो कर पाएंगे। अगर आप उन इमोशंस को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है कि वो इमोशंस कुछ दिन बाद खुद से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप हर समय क्या रिलैक्स स्टेट में हैं, आप क्या हर समय विदाउट एनी स्ट्रेस एकदम शांति से सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप उस स्टेट में हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो खुद ब खुद आपको गाइड करेगी कि आज ही वो दिन है जब मुझे भोजन छोड़ देना चाहिए। अब इस दशक में आज 2022 में जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये आगे हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप डेप्थ में समझिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर भी साधक आते हैं, उनकी भी यही इच्छा होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आप समझिएगा। क्या आप इस दिशा में कि भोजन नहीं ग्रहण करना है, पानी ग्रहण नहीं करना है और ये फास्टिंग की स्टेट में इसलिए तो नहीं जा रहे हैं कि आपके मन में अंदर से एक स्ट्रेस है, एक फियर है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि 3 दिन आप ऐसे समझिए कि जब आप खुद से अंदर से सोचते हैं कि चलो ये ट्राई कर लिया जाए, लेकिन आप ये जो इमोशंस, ये पूरा जो गृहस्थ जीवन के लिए है, ये आप गृहस्थ जीवन में है और आप सोच रहे हैं कि मैं बिना खाने के रहता हूँ, लेकिन साथ ही में आप गुस्सा भी करते हैं, आप अपने बच्चे आते हैं, आपकी वाइफ आते हैं, उन पर आप गुस्सा कर रहे हैं, और साथ ही में ये जो सारे इमोशंस हैं उनसे भी आप घिरे हुए हैं, हर समय घिरे हुए, और तब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है वो आपको जाननी है। कि दूसरे तीसरे दिन ही इंसान में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा उभर कर आता है, उन्हें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि डिप्रेस्ड है हम, और तो और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है, और हमारा इंसान का दिमाग इस प्रकार का है कि वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है, और उल्टा उसे नाम दे दिया जाएगा संथारा का। तो वो संथारा नहीं है जो 2-3 दिन बाद आपकी इच्छा हो रही है कि संथारा भी कर लेते हैं, वो असलियत में सुसाइडल टेंडेंसीज है और डिप्रेशन हो गया है आपको, क्योंकि आपने कोई भोजन नहीं करा है। और उसके पीछे अक्सर एक बहुत बड़ा फियर होता है, एक फेलियर का फीलिंग होती है लोगों में, गिल्ट फीलिंग होती है। 40s 50s में उन्हें लगता है कि अब जो हम करना चाहते थे वो हम कर नहीं पा रहे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक फेलियर की जो फीलिंग होती है उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण होता है। आपको अपनी डेप्थ्स में जाना है और ऐसे ही किसी भी मार्ग पर नहीं उतरना है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप ध्यान के मार्ग पर आ रहे हैं तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो केवल 3-4 दिन में ही आप उस स्थिति पर जा सकते हैं जो अभी हमने आपको बताई, जिसे सुसाइडल टेंडेंसीज बोला जाता है। संथारा बहुत अलग स्टेट होती है, उससे पहले बहुत सारे चरण हैं जो अभी आपको क्रॉस करने होते हैं। तो आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर डाइट, सही आहार लेना है, आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करनी है, तो उसके बाद आप में जब ऊर्जा बढ़ेगी तब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है,
उस मेंटल स्ट्रेंथ के बढ़ने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको सबसे पहले उसे अनुभव करना है। जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसके बाद आप पहले पड़ाव को क्लियर कर पाएंगे कि 37 वर्ष तक कैसे भोजन छोड़ पा रहे हैं। पहले पड़ाव जो अभी हमने बताई कि इन सारे इमोशन से आप बाहर आ जाएंगे, वो तब होगी जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी वो अभी आपने समझा, तो आप इस चीज़ को बहुत ही स्पष्ट समझ लीजिए।